ओके सो वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। तो आज का टॉपिक है वेल उससे पहले डिस्क्लेमर, जो भी हमारे घर में से देख रहे कोई भी सीनियर मेंबर्स या फिर कोई भी हमारे घर में से देख रहा फैमिली में से देख रहे, तो प्लीज यूट्यूब पे दूसरे वीडियो उसके जाकर देखो, ये वीडियो मत देखो क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा समझ सकते हो राइट। दूसरे वीडियो है हमारे और भी पॉडकास्ट है उसको जाकर देख सकते हो, और अगर आप हमारे फैमिली मेंबर्स में से नहीं हो तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा क्रश के बारे में और सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। तो तूफान है जो आखड़ा, तू चल जा उसके साथ में, भगवान ने तुझको दी हुई है रहमत तेरे हाथ में, जगा दो शक्तियों को दूर कर दे फासले, खड़े है तेरे आड़े आके बीच से उनको फाड़ दे, जरफिरों पे ध्यान दे ना हार का तू नाम ले, ना फालतू का ज्ञान ले ना फालतू सलाम ले, कलम में है जो ताकत है ब्रह्मांड से अनजान है, भूखे मर रहे है ये बच्चे लोग ये हैवान है, ये कौन है तू क्या है, दिन में तेरा ब्याह है, घर वाले करते जबरदस्ती बकरा तैयार है, तो छोड़ दे उम्मीद सारी पहन ले तू कपड़े बार, इससे अच्छी ब्रह्मचारी लाख देखी दुनियादारी। So, start करने से पहले आपके कितने crushes थे पहले ये बता दो। Like मेरे देखो, मेरे तो दो तीन थे। बस इतने से लिया। मेरे भी उतने थे, तीन थे, but उसमें से एक attraction था जो common है, तेरा भी था, वो ही mutual crush। Bro crush। हाँ, तो दो crush कह सकते हैं ऐसे। अपने हर जगह में जहाँ पे जाके वहाँ पे क्रश बन जाते हैं। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है ये क्रश है क्रश है क्रश है, पर हम जब बात करते तो लगता है नहीं नहीं ये तो सिर्फ एक अट्रैक्शन था, कि उस पर्सन के साथ हमें सिर्फ रहना है, मतलब वो उस पर्सन सिर्फ चाहिए, वो हमें परफेक्ट लगता है। सो बेसिकली अट्रैक्शन ऐसा होता है कि अट्रैक्शन लुक्स पे बेस्ड होता है, लुक हां करेक्ट, वो कैसा दिख रहा है एक्चुअली, वो कैसा मेंटेन कर रहा है खुद को, वो हां सिर्फ एक इमेजिन आपके माइंड में सिर्फ इमेजिनेशन है उस पर्सन की, बट आप जब बात करते हो तो पता चलता है नहीं नहीं इसमें वो वाइब्स नहीं है। लाइक बहुत ऐसे टाइम्स पे कि आप किसी को ऐसा तो किया यार ये तो क्रश है मेरा यार, आई एम अट्रैक्टेड बाय दिस पर्सन, एंड जब भी वो मुंह खोलते ना वैसे अरे तो सारा मूड खराब कर देता है। तो आपके बार बार क्रश बदल रहे हैं इसलिए, मतलब आपके वो क्रशेस नहीं है, वो आपके ऐसी अट्रैक्शंस है। अगर आपका रियल क्रश कोई होगा मतलब जिस पे आपको सच में क्रश है, तो हो सकता है वो एक साल दो साल, आप एक साल बात करो दो साल बात करो आपका वो क्रश चेंज नहीं होगा, या और तभी आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। तो पर एक क्रश का ये पार्ट, क्रश एक बहुत अच्छी चीज है, क्रश जिसे हम लोग क्रश को एक और चीज भी कह सकते हैं कि वन साइडेड आशिक जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, जिन पर होता है क्रश इज लाइक सॉर्ट ऑफ वन साइडेड आशिक, ये किसी का क्रश का आगे हुआ है किसी का मैं ऐसे से पूछना चाहूंगा अगर तो बेसिकली व्हाट डू यू मीन इज कि मतलब किसी क्रशेस थे कि नहीं और क्रशेस क्या कोई बड़ा कि नहीं ना राइट। तो अभी क्या करना चाहते हो, लेट्स कीप इट दैट वे कि नहीं कि सब कुछ आगे नहीं बढ़े, तुम्हारा क्या कहना है इस पे, तुम भी क्रश करियो सच में कि क्या करना चाहते हो, कुछ बातें नहीं कहने में नहीं कहने में सही बात है। उसको इतना इंफीरियर बनाते हो खुद को कम आंकने लगते हो। मैंने एक फेमस पॉडकास्ट में एक कोट पढ़ा था कि इफ यू आर वेयरिंग रोज शिंटेड ग्लासेस ऑल फ्लैग्स ऑल रेड फ्लैग्स लुक जस्ट फ्लैग्स। मतलब जिनको नहीं समझ में समझा देता हूँ कि जब भी आप लाल कलर के चश्मे पहनते हो तो मतलब इंग्लिश में ऐसा कि रेड फ्लैग्स मतलब कि वहां नहीं जाना आपको, वो चीज नहीं करनी आपको। तो रिलेशनशिप में या फिर किसी भी चीज में जब भी आप रोज टिंटेड ग्लासेस पहनते हो मतलब इन मतलब कह सकते हो आप प्यार में, तभी आपको ऐसा होता है कि आपको लाल झंडे भी तो लाल ही दिखता है, आपको सब लाल दिख रहा है, तो आपको ऐसा होता है झंडे या आप जाते हो और फिर ठीक है। Yeah.
और फिर तो ये होता है। इसमें ये भी मैं कहना चाहूंगा कि हम जब उसको इतना सुपीरियर बना देते हैं ना, तब हम थोड़ा एक अपना इमोशंस का रिमोट है ना उसके पास है। हां, पर उससे पहले मतलब वो चीज टच करना चाहते कि हम लोग अपना सेल्फ रिस्पेक्ट उसको देते हैं कि हम लोग कहते हैं कि भाई तू मुझे तेरा अटेंशन देते, इसके बदले में मैं तुझे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट दे रहा हूं, तू मुझे इंसल्ट कर कुछ भी कर, मुझे कुछ भी बोल, बस तेरा अटेंशन दे। हां, वही मैं बोल रहा हूं कि अपना वो रिमोट दे देते अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जिसपे वो कभी भी कुछ भी पटाता था पाते थे और फिर हमें इंस्टा पे स्टोरीज देखी। अगर किसका आपको इंस्टा पे कैसा गर्ल स्टोरीज दिख रही है, मतलब सैड स्टोरीज दिखते, सैड सॉन्ग्स दिखते, तो सोचो कि उसने अपना रिमोट किसी और को दिया और गलत बटन दबा दिया, तो उसको जस्ट मैसेज करो कि भाई अपना रिमोट वापस ले। अपना इमोशनल कंट्रोल जो होता है ना वो आपके पास होना चाहिए, भले सामने का कितना भी बड़ा हो, कितना भी कुछ भी हो, तभी आपको उसका इमोशनल कंट्रोल नहीं देना चाहिए आपको उसके हाथ में। तो क्या करते हैं कि वो कुछ भी गलत, भले कितना भी अच्छा इंसान हो, कैसा भी हो, अगर उसने एक सिंगल डिसीजन गलत ले लिया ना, वो आपको बहुत इफेक्ट करेगा। और फिर आप अपने वही डीप डाउन चले जाना, मतलब ऐसा क्या बोलते हैं उसको कि इमोशनल बैगेज आ जाएगा ना आप पे इतना कि आप उससे निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, ज्यादा मैं ऐसा बोल नहीं रहा पर एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पास एक्सपीरियंस से मत करो प्लीज। और उसमें आप खुद सामने वाला का तो हो गया, बट हम खुद पे भी खुद छोटे छोटे चीजों पे अपने इमोशंस हर्ट कर देते हैं। यस, छोटे छोटे जो ऐसे नॉर्मल इंसान के लिए हमें लगे बट वो पर्सन की वजह से हमें वो भी चीजें बड़े 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 बड़े। यस यस, और हमारा ऐसा हो जाता ना कि मतलब उसने मुझे कुछ गलत भी कर दिया ना, तो हम लोग लगता है यार मतलब इसका कैसे गलत हो गया, ये तो सही हो गया, शायद हम भी गलत है। तो ऐसा हो जाता है, ऐसा बिल्कुल मत होने देना। Be strong with yourself, like आपका जो डिसीजन है, आपकी जो एथिक्स है, उसके अगेंस्ट कभी मत जाना किसी और पर्सन के लिए। Okay? So let's end on this positive note. ठीक का ऐसा कभी हुआ है कि क्रश का क्रश तुम हो, तुम्हारा क्रश है और उस क्रश का तुम क्रश हो? तो ऐसा नहीं, 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 लगता नहीं, नहीं, ये तो बोल सकता कि तुमने कभी ये सोचा है कि किसी का क्रश अपने ऊपर भी हो सकता है? हाँ, मैंने ऐसे सोचा था, पर फिर जैसे वो बोली कि साइड में आएंगे उसको देख लो, इसको मैंने उसको देखा। फिर मेरे बारे में और इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता सर, पर इसका गारंटी नहीं है। कितने क्रशेस थे तेरे? नहीं सर, तू कितने लोग का क्रश है? हां, तू कितने लोग का? नहीं, ये मुझे ही नहीं मालूम। ये हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और इसी के साथ हमारा सीजन 1 यहीं पे समाप्त होता है। तो आई होप आप काफ़ी मज़ा आया होगा सीज़न 1 में, और हमें भी बहुत मज़ा आया, हमें भी नई नई चीज़ सीखने को मिली। सो क्या लगता है सोनिक, कैसा था सीज़न 1? अरे सीज़न 1 तो काफ़ी सही था, मतलब बहुत कहानियाँ निकल के आई, बहुत किस्से निकल के आए, और स्पेशली रिकॉर्डिंग करते वक्त के जो हमारे मोमेंट्स थे काफ़ी फनी थे, काफ़ी मज़ा आया। बट ये कहानी हो गई सीज़न 1 की, बट अभी बारी आती है सीज़न 2 की। तो क्या ख्याल है उनका, कब करना है सीजन 2? तो सीजन 2 करना है रिकॉर्ड? अरे ये तो कोई पूछने वाली बात है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हम वापस आएंगे एक नए सीजन के साथ, और नई कहानियों के साथ, और नए नाम के साथ। तो एक अलग एक्सपीरियंस होगा, जिस तरह आपने प्यार सीज़न 1 को भी दिखाया है, उतना ही प्यार मैं आशा करता हूँ कि आप सीज़न 2 को भी दिखाएंगे। और सीज़न 2 सिर्फ हम तीनों तक ही सीमित नहीं होगा, उसमें कई सारी नई आवाज़ें लाएंगे हम, लाइक आवाज़ें इन द सेंस कैरेक्टर, हमारे कई दोस्त आएंगे जो हम फीचर करेंगे इस पॉडकास्ट में, और वो भी अपना पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे। तो सोनिक, आई होप इन्होंने सीज़न 1 तो देख लिया होगा, पर इन्होंने पीछे की मस्ती नहीं देखी होगी, तो क्या ख्याल है, दिखाना इनको मस्ती? अरे एक रिवाइंड तो हो जाने दो। तो ये रहा आपके लिए एक बिहाइंड द सीन्स रिवाइंड ऑफ सीज़न 1। सबके रिजर्व खुले आज का टॉपिक है
स्टेज अटेंशन चाहिए कैमरा मत देता ना न्यूज़ रिपोर्टर जी तो वो स्टोरी क्या थी स्टोरी पॉजिटिव सेलिब्रेट असं वाटतं तू कुठल्या रूमच्या कोपऱ्यात बसून बोलतोय रोहित हाय मेरे को प्यार हो गया था